बैक टू बैक टू चैनल में हम लोग करेंगे एक नई सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट। और ये मेरी नई वर्ल्ड है और यहाँ पर आसपास में तो कोई पेड़ भी नहीं था, तो अल्लाह की स्पॉन लगा मुझे। आज जब मैं एक शीप को देखा, शीप मुझे पूरा इग्नोर मारा होता है, तो मैंने सोचा कि चलते हैं। यहाँ पर मुझे कभी पेड़ दिख नहीं रहा था मतलब आस पास, जैसे कि चलते हैं थोड़ा दूर और ये शीप वापस से मिली। हेलो यार शीप, मैं कह रही शीप मुझे इग्नोर कर रहा, बदला तो देना पड़ेगा मेरे से। मैं पानी में तैरते मुझे सामने एक विलेज दिखा, मुझे लगा थोड़ी लकी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ विलेज पे, मुझे दूर से ना विलेज दिख जाता है, विलेज थोड़ा बड़ा तो है, ये इतना थोड़ा भी विलेज नहीं है। और मैं जा रही थी और सबसे पहले मैं सबसे पहले घर में जाता है और मैं गेम खोलो और देखो मुझे दो विलेज मिले, इसके मैं डांस किया मस्त वाला। उसके बाद मैंने एक रेट चेक की, रेट तो इनकी ओके ओके थी, लेकिन दूसरे वाले की रेट तो लाइक और समथिंग की दे रहा था मुझे एक मेंडिंग। मुझे तो उसको देख के डांस करने का मन करा और मैंने मस्त डांस करने के बाद सोचा कि मुझे टूल्स वाला नहीं चाहिए। मैंने गेट बंद किया और इसके घर से पेड़ तोड़ने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यार इतनी मेरा काम करेगा, पहले पेड़ तोड़ना पड़ेगा फिर वुड लानी पड़ेगी, फिर उसके घर से पेड़ तोड़ देना। वैसे भी ये मुझे मेंडिंग देने वाला है, उसके बदले में हम उसके घर तोड़ सकते हैं, हम इसको अमीर बनाने वाले हैं यार। जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पर पेड़ तोड़े, मतलब कि वुड तोड़ी, क्योंकि ऑफकोर्स ये पेड़ नहीं, इसका मैंने घर तोड़ा। मुझे ऐसे कुछ फूड मिल गई, मैंने इनका प्लान्स बनाए और एज सिंपल हम इनके टूल्स बनाने वाली थी। मैं इस विलेज को देख रही थी पर ये विलेज मेरे लकी वाला है, मेरे उसका मन करा था कि मैं उसको गले लगा लूँ, पर नहीं यार माइनक्राफ्ट में कोई ऑप्शन नहीं है सैडली। यहाँ मैंने कुछ प्लान्स बनाई, ओ ये इसको मैं अब ट्रैप करने वाली हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारा सब भाग गया तेरे लिए भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यार लकी विलेज है, ठीक है नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे इसे, और ये विलेज बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है छोड़ता है इसको, हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू फॉरवर्ड। क्योंकि थोड़ा गुस्सा उस पर आ रहा था मुझे, उसने मेरे प्लान्स वेस्ट करवाए, इस बात पे मैं कुछ उसे मारूँ, पर मुझे आ गया कि तुम मैंने वेस्ट करा यार। मैं आगे जा रही थी मस्त मस्त और तब मुझे आयरन गोलम, तो उसको भी के लिए थोड़ा इग्नोर करता है, भाई खतरा ले सकते हैं आपसे, हेलो भाई ज़्यादा खतरा नहीं ले सकते अभी, क्योंकि बस टूल्स भी नहीं है। और मैं जब ट्रैवल करी थी उसमें मेरे ब्लैक स्मिथ, यार भाई मैं बहुत ज़्यादा लकी हो रही हूँ, या फिर हो सकता है ये सीढ़ी अच्छी हो। और मुझे इस चेस्ट से मिलते हैं आयरन लेगिंग्स स्वॉर्ड और पिकैक्स, ठीक है मुझे तो लाइक बहुत सी मिल रहा है बोलने के लिए, मैं इतनी लकी कब से हो गई यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ठीक है। और मुझे कुछ और सैपलिंग्स मिलती है जो कि मेरे किसी काम के लिए, ठीक है तो मैं इस चेस्ट में छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं जो मुझे ये आर्मर के पीस मिले थे वो मैं पहन लेती हूँ और अब मैं जा रही हूँ घर से बाहर, ये निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया था घर से। सॉरी यार, देखिए ब्लैक स्मिथ का घर है, इसको मैंने एक मारा क्योंकि हमने तेरा घर चोरी किया, ठीक है भाई तो इस बात से गुस्सा तो नहीं है हमसे, डर के रहना है हमसे। और भाई यार स्पॉट भी देख रहा था, ठीक है भाई स्पॉट पे हम सबसे ज़्यादा गंदी इंचार्जमेंट थी बेल ऑफ आर्ट पॉच, ठीक है। और अब मैं बस चूज किए तो खुश रही थी कि इसको ना पंगा ले रहे भाई, ओ माय गॉड नहीं, ये ठीक है ठीक है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि इसके हाथ दो हाइड होते हैं यार, मुझे याद है ऑफकोर्स मेरा घर किस साइड है, याद है ना मुझे। अब मैं पहुँच जाती हूँ अपने घर में, पर रात तो आती है और मैं इस आयरन गन को आखिरकार मार देती हूँ। और यहाँ पर रात भी हो गई थी यार, मैं तो दूर से आई थी ना क्योंकि मुझे कल रास्ता मिल रहा था सच में, तो मैं घर उड़ रही थी बेड सोने के लिए और मुझे घर मिल भी जाता है, रात ही विलेजर सो रहा है तो उड़ जाइए, पता सारी गलती इस विलेजर की है, मेरा मन कर रहा था मैं उसको मारूँ पर यार मॉन्स्टर यार भाई मुझे सोने दे विलेजर, उड़ जाए यार, ठीक है भाई यार मॉन्स्टर से आसपास ये विलेजर मॉन्स्टर है मैं जानती हूँ, नहीं भाई ठीक है भाई ठीक है सो जा पहले, जब तू ही सो जा, तेरे सोने से कुछ नहीं होने वाला है, मैं सोऊंगी तभी दिन होने वाला है। और मैं उठ जाती हूँ, मेरा मन कर रहा था मैं विलेजर को बहुत बुरी तरह मारूँ पर लेकिन ऐसा नाइस पोर्शन ये भाग जाता है यहाँ से, ठीक है। और अब मुझे नाइन इंगट नहीं है, क्या हुआ मुझे अभी फिट पड़ा है यार, तो इसको इग्नोर करता है क्योंकि मैंने शायद मैंने देखा यहाँ पर एक स्केलेटन है, मैं जानती हूँ विलेजर तूने कराया ना, इसको सुपारी दिया ना, सुपारी दिया ना तूने, इधर देख पता इस विलेजर ने सुपारी दी है इसे मुझे मारने की। और यहाँ पर मुझे मिलता है एक और स्केलेटन, भाई यार क्या है ये, यस स्केलेटन एपोप्लिक्स तो नहीं आ गया है, हो सकता है भाई या फिर इसने सुपारी दी हो स्केलेटन को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए।
और अभी मैं देख रही थी यहाँ क्या क्या है, और तभी मुझे मिलती है मुर्गी। मुर्गी तो लाइक सीन से इग्नोर किया। यहाँ मुझे एक और ब्लैक स्मिथ मिला है। अगर ब्लैक स्मिथ टच करी है ना तो मैं ब्लैक स्मिथ के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ सेम अंदर जाते हैं, देखते हैं जैसे अंदर क्या है। लकी वन का छोड़ेगा, ओ माय गॉड, एक सेम मटीरियल लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लक चल रहा है मेरा अब तक तो। उस कोलम के हिस्से को छोड़ के जिसमें मैं मर गई थी, ठीक है, क्योंकि वो मेरी फॉल्ट थी, नॉट माय लक। मुझे यहाँ से 5 ऑब्सीडियन मिलते हैं, एक बूट्स मिलते हैं और एक लेगिंग्स मिलते हैं, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो पहले से थे वो। तो मैं आगे जाके देख रही थी, मैं सोच रही थी कि ना हम किसी तो एक्सप्लोर करते हैं जरा, हम फ्लावर्स को लेते हैं। मेरे पास लाइक वुड नहीं थी, देखो तुम सोच सकते हो मेरे पास इतने सारे आयरन आ गए, मैं फिर अच्छे से वुड को नहीं तोड़ी मैंने पेड़ों से मिला। तो मुझे क्राफ्टिंग टेबल बनवानी है यार, पता नहीं हम मुझे आग में बनाना है। मैं इतनी लाइक ज़्यादा लकी हो गई कि मैं इस पर क्राफ्टिंग टेबल बनाई नहीं, वो इतने सारे आयरन हो गए हैं। और उसके बाद मुझे क्या ना शील्ड बनाते हैं, क्योंकि मैं हर बार मरना नहीं चाहती यार। ऑफकोर्स हम बिल्कुल सिक्योर के खेलने वाली हूँ, थोड़ा ज़्यादा खतरा नहीं देंगे हम। और मेरे यहाँ पर आयरन कार में बन गया एंड द थिंग्स वी नोटेड गाइस, दिस इज माय फर्स्ट डे। अभी तक मैंने माइनिंग के लिए गई वीडियो, और जब मैं माइनिंग के लिए जाऊँगी ना बहुत ज़्यादा कहर कर पाने वाले हम यार। मेरे पास में 2 प्लैंक्स कम पड़ गए, ठीक है, तो सोच रही थी ना पहले प्लैंक्स बना लेते हैं जल्दी से, और एक शील्ड बनाते हैं पूरा सिक्योर गेम को खेलता है, और उसके हम उसे आगे डाल करते हैं। तो आखिर हमारी शीट बन गई यहाँ पर, और उसको हम इक्विप कर लेते हैं। ओ तो हमने ग्राफिक जब जल्दी से तोड़ लेते हैं और चलते हैं थोड़ा घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मुझे लगे जगह तो अच्छी आई है। पर ऑफकोर्स उस भी रात भी होने वाली है, हो सकता है कि मुझे यहाँ पर आस पास कुछ समय मिले जिसके अलावा पोर्ट, क्योंकि मुझे नदर पोर्टल बनाना है। मेरे पास आयरन कारमर तो हो गया, तो मुझे माइनिंग के लिए ज़रूरत नहीं बचाने के लिए, बस वो उस पर हो गया आयरन ज़्यादातर। मुझे ना यार एक चीज़ की कमी है लाइक एक्स, ठीक है, पर बस उतना आयरन है नहीं कि मैं एक्स बनाऊँ। मेरे पास 2 स्वॉर्ड है, हो सकता है कि प्लस पॉइंट मेरे लिए। जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि आज के समय कुछ मिलता है या नहीं मिलता। तो मैं इसको आपको जल्दी से एक फास्ट फास्ट करके दिखाती हूँ। तो मुझे ब्राउन शिप दी, ओह माय गॉड, मुझे 2 ब्राउन शिप मिली है। देख मैं मानती हूँ मैं बहुत लकी, पर इतना भी लकी है 2 ब्राउन शिप्स, सीरियसली? ठीक है भाई, इसका तो ना इस बात पे तो एक लाइक जरूर बनता है यार। देखो मुझे 2 ब्राउन शिप मिली है और एक साथ, आई एम द लकी वन। मुझे लग रहा है कि आज मेरे पास थैनोस की शक्ति आ गई है, लकी स्टोन आ गया बस कोई, क्योंकि मुझे 2 ब्राउन शिप मिली है। यहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा ही सोच रही हूँ, पर देखते हैं आस पास हमें कुछ और मिलता है या नहीं। और यहाँ से जो बहुत दूर जाने के बाद मिला मुझे एक टेदर पोर्टल, जो कि लाइक विलेज से ज़्यादा दूर था नहीं, पर लेकिन वो सीट था वो टाइम का बहुत बोरिंग हो रहा था, तो मैंने उसे कट कर दिया। इसको से मुझे यहाँ पर एक चेस्ट मिली थी, पर मैं सोच रही थी कि यहाँ चेस्ट में अंदर घुल रही थी, लेकिन स्टूपिड के लेवल मैंने बहुत दूर कर दिया था। और पता है मेरे पास ऑक्सीजन था पोर्टल कम्प्लीट करने के लिए, सॉरी फॉर दिस यार, मैंने एक ऑक्सीजन वेस्ट कर दिया, मेरे पास ज़्यादा ऑक्सीजन था इसलिए मैंने वेस्ट कर दिया। और अब मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक, मैं सोच रही थी कि मेरे पास लाइक आयरन नहीं है, तो मैं एक फ्लिंट एंड स्टील बना नहीं सकती हूँ, तो मैं इसको लाइक पोर्टल को वुड से लाइट करने की कोशिश कर रही थी। और अब देखना क्या होता है मेरे साथ में, मैं पीछे देख रही थी कि क्या क्या कब लाइट होगा पोर्टल। ये एक गोल्ड ब्लॉक था मेरे पास, तोड़ लिया मैंने उसे। और तभी यार मुझे याद आया कि हाँ चेस्ट भी तो होती है, मेरे भाई ने बोला कि तू चेस्ट क्यों नहीं तोड़ रही है। मैं ठीक है भाई देखते हैं जिसमें क्या गाइस थी। यहाँ पर फ्लिंट एंड स्टील था, मैंने लाइक स्टुपिडिटी का लेवल पार कर दिया था, पर अब कुछ नहीं कर सकता हम। और अब मैं इस आग को बुझा के जल्दी से ना फ्लिंट को लाइट कर देती हूँ, मतलब पोर्टल को लाइट कर देती हूँ फ्लिंट एंड स्टील से। और ये मैंने पोर्टल लाइट कर दिया है, और अब हम जा रहे हैं नेदर में। ये हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 के लिए आपको करने होंगे लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।